क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं गियर ट्रेन की बात करूं बेटा तो गियर ट्रेन पे आपके ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन और उसमें से ज्यादातर आते हैं इपी साइकिल गियर ट्रेन की आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करूं तो जो गेयर ट्रेन में जो इपी साइक्लिक गियर ट्रेन है बेटा उसके क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं चलो फिर इस क्वेश्चन को डील करते हैं पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है इन द इपी साइक्लिक गेयर ट्रेन सोन इन फिगर वहां पर फिगर दिया गया है यह वाला फिगर इसकी बात कर रहा है वो द कंपाउंड व्हील्स ए एंड बी एज एज द इंटरनल डी रोटेट्स इंडिपेंडेंटली एक्सिस है बेटा, और साथ ही साथ ये बोला गया है ये वाला ओ एक्सिस है साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो ए गियर है और बी गियर है दोनों कंपाउंड गियर है और मैं बात करूं इस C, ये C है बेटा ना ये गियर सी है सी गियर की बात करूं और डी गियर ये इंटरनल गियर है यहां तक बोला गया है आगे देखते हैं एंड एफ रोटेट्स फिक्स्ड टू आर्म ए आपको एक आर्म दिया गया है और साथ ही साथ बोला गया है कि गियर ई और एफ से साथ कनेक्टेड है वो ये आर्म ए है मैं लिख लेता हूं ये वाला जो है बेटा ये आर्म ए है ठीक है आर्म ए है ऑल द व्हील्स आर ऑफ द सेम मॉड्यूल सभी के सभी गियर की मैं बात करूं तो सबका मॉड्यूल सेम है द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील्स आर ए पर दिया है बी पर दिया है ई e और एफ पर दिया है इतना चीज मुझे दे दिया गया है पूछा क्या गया है देखिएगा डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सी ये जो सी गियर है ना बेटा सी गियर इसका स्पीड फाइंड आउट करना है जिसके लिए दो कंडीशन दिया गया है पहला कंडीशन ये है द व्हील डी फिक्स्ड ये वाले गियर की बात करूं डी की तो ये फिक्स हो साथ ही साथ जो आर्म ए है वो रोटेट कर रहा हो 200 हंड्रेड आरपीएम क्लॉक ठीक है मैं यहां पर क्लॉक को पॉजिटिव लूंगा और एंटी क्लॉक को निगेटिव लूंगा ठीक है भाई बात करेंगे द सेकेंड कंडीशन क्या है व्हील डी रोटेट्स एट ट्वेंटी आरपीएम काउंटर क्लॉक वाइज सेकेंड कंडीशन में डी भी रोटेट हो रहा है ट्वेंटी आरपीएम काउंटर क्लॉक वाइज से एंड द आर्म ए रोटेट एट टू हंड्रेड आरपीएम क्लॉकवाइज और जो आर्म है बेटा वो टू हंड्रेड आरपीएम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है समझिएगा ए और बी कंपाउंड गियर है सी और डी इंटरनल गियर है ई e, डी के साथ कनेक्ट है ध्यान दीजिएगा ई e, डी के साथ कनेक्ट है साथ ही साथ मैं बात करूं एफ सी के साथ कनेक्ट है एफ की बात करूं सी के साथ कनेक्ट तो है ही साथ ही साथ ये ए से भी कनेक्ट है और ई e की बात करता हूं डी से कनेक्ट तो है ही साथ ही साथ ये बी से भी कनेक्ट है आर्म की बात करूं ये वाला आपके पास आर्म है क्लियर है चलो फिर इसके इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम है बेटा एकदम सिंपल सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो क्या क्या फाइंड आउट करना है लिख लो मस्त से टेबल बनाओ टेबल पे जो भी आप कर रहे जो भी एक्टिविटी है वहां पर परफॉर्म करते रहो एक्टिविटी लिखते रहो आपको एक फाइनल फाइनल मिलेगा एक टेबल जिसपे आपका अलग अलग गियर का रिवॉल्यूशन आपको पता रहेगा X और y के टम X और y के के पे पे ठीक है मिलेगा वो और बात करें आगे तो गिवन डाटा के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेट करके आपको फाइनल आंसर लाना है क्लियर है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन डाटा की गिवन डाटा देखते हैं क्या क्या दिया गया है सबसे पहले आपको दिया गया है कि आपके पास जो गियर ए है ना बेटा उसमें नंबर ऑफ टीथ थे टी ए इज इक्वल टू फिफ्टी टू टी बी इज इक्वल टू बी गियर पे फिफ्टी सिक्स और टीई इज इक्वल टू टी एफ इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ये आपको गिवन है ठीक है ये गिवन है आप देखिएगा ये गिवन है लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी सभी सभी नंबर ऑफ टीथ के सभी गियर के नंबर ऑफ टीथ की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं काम करता हूं पहले से ही मुझे ए दिया है देखिएगा ये ए दिया है बी दिया है ई e दिया है एफ दिया है सी और डी के बारे में मुझे नहीं पता नंबर ऑफ टी के बात करूं तो मुझे नहीं पता तो सबसे पहले मैं यही काम करता हूं कि जो नंबर ऑफ टीथ है सी और डी पर वो कितना है वो मैं पहले फाइंड आउट करता हूं इसके लिए मस्त चीज दिया गया बेटा, ध्यान ना? देखिएगा, मॉड्यूल ठीक है समझिएगा ये अच्छा स्टेटमेंट है समझिएगा इस बात को मैं बात करूं बेटा सी इसके रेडियस की मैं बात करूं सी गियर की रेडियस की बात करूं मान लो की बात आर सी है ठीक है RC है साथ ही साथ मैंने माना जो ए गियर है बेटा इसका जो रेडियस है आर ए है बी गियर का आर बी एफ गियर की बात करूं तो ये आर एफ है ठीक है आर एफ है बात करता हूं सी तो ये वाला डिस्टेंस भी आर सी होगा और आर सी की मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आर ए प्लस टू टाइम्स ऑफ आर एफ ठीक है आर ए प्लस टू टाइम्स ऑफ आर एफ एकदम क्लियर है चलिए लिखते जाते हैं ना साथ में आर सी टू मैं क्या लिख सकता हूं आर ए प्लस टू टाइम्स आर एफ एक चीज आपको पता है और आर इज इक्वल टू क्या होता है एम टी डिवाइडेड बाय टू लिख लेते हैं एम टी सी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू एम टी ए डिवाइडेड बाय टू प्लस टू टाइम्स एम टी एफ डिवाइडेड बाई टू ये निपट जाएंगे कहा था मैंने ऑल द विल्स आर ऑफ द सेम मॉड्यूल सेम मॉड्यूल क्या हैं? निपट जाएंगे बेटा बचेगा क्या टीसी प्लस टू टी एफ ठीक है ध्यान दीजिएगा ए पता है टी एफ पता है टी ए पता है टी एफ पता है टीसी निकल जाएगा टीसी इज इक्वल टू टी ए कितना बेटा फिफ्टी टू प्लस टू टाइम्स टी एफ कितना है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है प्लस फिफ्टी टू वन ट्वेंटी फोर टीसी मुझे मिल गया वन ट्वेंटी फोर ठीक है सेम बात करते हैं अपन नंबर ऑफ टीथ ऑन डी गियर मैं मान लो की बात माना आर डी इसका रेडियस है किसर का रेडियस आर डी है ई e का मैंने रेडियस मान लिया है आर ई आरई मैंने मान लिया ध्यान दीजिएगा क्या मैं आर ई आर डी की मैं बात करूं आर डी इसको मैं लिख सकता हूं आर बी प्लस टू टाइम्स ऑफ आरई आर बी प्लस टू टाइम्स ऑफ आरई मैं लिख सकता हूं मैं यहां पर बनाता हूं डी इज इक्वल टू आर बी प्लस टू टाइम्स ऑफ आर ई फिर से वही बात इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टू डिवाइडेड प्लस टू टाइम्स एम टी डिवाइडेड बाई टू दो निपट जाएंगे एम निपट जाएंगे बचेगा क्या टी डी इज इक्वल टू टीबी प्लस टू टाइम्स ठीक है बेटा टी डी टीबी की वैल्यू की मैं बात करूं कितना गिवन है 56 प्लस टू टाइम्स आप टी की बात करूं तो टाइम मुझे गिवन है 36, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है वन ट्वेंटी एट टी डी इज इक्वल टू आ गया वन ट्वेंटी एट ठीक है आपको फाइंड आउट करना है बेटा लिख लेते हैं फाइंड आउट क्या क्या करना है आपको एक ही चीज फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ सी मतलब एन सी आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए आपको फर्स्ट कंडीशन पे गिवन है कि जो आपके पास डी गियर है ना बेटा वो फिक्स है मतलब एनडी की बात करूं एनडी की बात करूं वो इज इक्वल टू है जीरो साथ ही साथ जो आर्म ए है वो रोटेट हो रहा है 200 हंड्रेड आरपीएम क्लॉकवाइज मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं सेकेंड मेरे को गिवन है पहले कंडीशन पे मुझे सेकेंड डाटा वो मुझे गिवन है क्या है बेटा वो है एन आर्म इज इक्वल टू टू हंड्रेड आरपीएम क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया यहां तक तो क्लियर है सेकेंड कंडीशन की मैं बात करता हूं सेकेंड कंडीशन पे मुझे गिवन है कि जो डी है ना बेटा वो भी रोटेट कर रहा है ट्वेंटी आरपीएम से काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को पॉजिटिव तो काउंटर क्लॉकवाइज को निगेटिव एनडी की बात करूं वो कितना है ट्वेंटी आरपीएम ट्वेंटी आरपीएम निगेटिव क्यों काउंटर क्लॉकवाइज है आगे बात करते हैं साथ ही साथ आपको गिवन है एन ए एन ए कितना गिवन है बेटा देखना ये गिवन है हंड्रेड आरपीएम क्लॉकवाइज मतलब प्लस 200 हंड्रेड आरपीएम यहां तक तो एकदम क्लियर है आगे बात करते हैं इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको ना एक टेबल बनाना है टेबल बनाना है चलिए टेबल बनाते हैं फर्स्ट कॉलम एक्शन का होता है देखिएगा ये एक्शन जो एक्टिविटी अपन परफॉर्म करेंगे वो लिखेंगे यहां पर रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म इसकी बात करेंगे उसके बाद बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ए की बात करूंगा मजे की बात बेटा ध्यान देना गियर ए और बी दोनों कंपाउंड गियर है मतलब एक ही साफ्ट में है बेटा एक ही साफ्ट में ये दोनों गियर है मान लो की बात इसके रिवॉल्यूशन की बात करूं चाहे इसके रिवॉल्यूशन की बात करूं दोनों का रिवॉल्यूशन तो सेम होगा सिंपल सा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ ए और बी ठीक है इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं वो सेम होगा ठीक है बेटा साथ ही साथ एक काम करता हूं गियर ए में कितने टीट हैं वो भी लिख लेता हूं मैं गियर ए पर है 52 52 और बी पर बात करूं तो 56 56 ये हो गया रिवॉल्यूशन ऑफ ए और बी अब बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ ध्यान दीजिएगा बेटा ए जो गियर है ना बेटा वो कनेक्ट किससे है एफ से है ए एफ से कनेक्ट है तो मैं पहले रिवॉल्यूशन ऑफ एफ लिख रहा हूं और इसमें नंबर ऑफ टिप्स की बात करूं मैं तो वो कितना है थर्टी सिक्स है थर्टी सिक्स और ये जो एफ गियर है ना बेटा ये किससे कनेक्ट है सी से सी से तो मैं लिख लूंगा रिवॉल्यूशन ऑफ सी रिवॉल्यूशन ऑफ सी सी की बात करो मैंने फाइंड आउट किया था 124 124 आगे बात करते हैं अब बी की बात करें बी गियर किसमें कनेक्ट बेटा बी गियर ये किससे कनेक्ट है ये ई e से है तो मैं यहां लिख लेता हूं रिवॉल्यूशन ऑफ ई E पर कितना है थर्टी सिक्स है आगे बात करते हैं और जो ई e है ना बेटा ई e गियर वो किससे कनेक्ट है डी से है तो मैं रिवॉल्यूशन ऑफ डी लिख लेता पर कितना है भाई नंबर ऑफ टी ये मेरा ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट है चलिए ये यहां तक मुझे मिल गया सबसे पहला एक्टिविटी होता है आपको आर्म को फिक्स करना आर्म को फिक्स करते हैं साथ ही साथ ये भी मान लेते हैं कि जो मान लो की बात कर रहा हूं या फिर बी की बात कर रहा हूं उसको मैंने प्लस एक्स रिवॉल्यूशन दे दिया ये वाली पहले एक्टिविटी होती है लिख लेते हैं आर्म को मैंने क्या कर दिया है फिक्स कर दिया है सबसे पहले और साथ ही साथ मैंने गियर ए और b की बात करो इसको मैंने plus +x रिवॉल्यूशन मैंने दे दिया है ठीक है बेटा रिवॉल्यूशन अब r में की बात करो जब मैंने r में को फिक्स कर दिया तो ये 0 हो जाएगा इसको मैंने माना है प्लस +x ठीक है बेटा अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ f की बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ f की तो बेटा ध्यान दीजिएगा जो f है ना वो किससे कनेक्ट है a से कनेक्ट है a से कनेक्ट है।, है f से कनेक्ट है तो सबसे पहले आपको काम करना क्या पड़ेगा टी ए अपॉन टी एफ करना पड़ेगा इन टू एन ए काम करना पड़ेगा मैंने बताया था थोड़ा सा और समझ जाइएगा इस बात को मान लो कि बात दो गियर कनेक्टेड है मैं बात करता हूं इसको ए की बात कर रहा हूं इसको बी बोल रहा हूं ठीक है भाई इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ए और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बी ये आप सबको मैं बता चुका हूं कि मान लो की बात ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी की बात करूं तो ये हो जाएगा आर बी आर बी अपॉन ए ठीक है और एक और बात तो मुझे पता ही है बेटा कि जो आर होता है वो क्या होता है एम टी अपॉन टू एम टी अपॉन टू मतलब ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए ठीक है बेटा मान लो की बात ओमेगा ए को मैंने एक्स रिवॉल्यूशन दे दिया तो यहां से मैं क्या ओमेगा बी आराम से निकाल सकता हूं देखिएगा सही बात है यही होने वाला है अब एक और बात ये तो मैग्नेट्यूड हुआ ना ओमेगा बी बी गियर का एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नेट्यूड हो गया डायरेक्शन की बात करूं मान लो की बात मान लो की बात ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जाहिर से बात है बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसी इसी डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं यहाँ पर माइनस साइन बता देता हूं। यही काम होता है यही काम होता है समझिएगा इसके पहले भी यही भी काम किए थे ना टी ए अपॉन टी एफ इंटू एन ए नंबर ऑफ टीथ ऑन ए गेयर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन एफ गेयर इंटू एन ए, ए यही वाला काम किया ठीक है यही वाला काम किए हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को ना चलिए आगे बात करते हैं अब ए और एफ गियर की बात करता हूं मैं ए और एफ गियर की बात करता हूं तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है एक्सटर्नल गियरिंग है मतलब इसके डायरेक्शन अपोजिट होंगे माइनस से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टीए की बात करूं तो कितना है 52 है डिवाइडेड बाय टीएफ की बात करूं तो 36 है इनटू एनए की बात करूं तो एक्स है बेटा एक्स है क्लियर है यहां तक आगे बात करते हैं अब रिवॉल्यूशन आप सी गियर की बात करते हैं तो सी गियर देख लो कहां पर है सी गियर ये वाला है ये किससे कनेक्ट है एफ से है सी गियर एफ से कनेक्टेड है तो सबसे पहले काम कीजिएगा टीएफ कर लीजिएगा डिवाइडेड बाय टीसी इनटू एनएफ एनएफ अब माइनस साइन लगाना है कि नहीं ये पहले देखिएगा मान लो कि बात करूं एफ और सी को देखता हूं मैं एफ और सी को देखता हूं तो ये इंटरनल गियरिंग है इंटरनल गियरिंग है। मतलब जो डायरेक्शन एफ का होगा वही सी का भी होने वाला है जो डायरेक्शन का का होगा वही C का भी होने वाला है। मतलब माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा नहीं करूंगा देख लेते हैं फिर टी एफ कितना है बेटा थर्टी सिक्स है डिवाइडेड बाई टी सी कितना है? 124 है और मैं एन एफ की बात करूं वो इतना है ये वाला वैल्यू है माइनस फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स इंटू एक्स सही बात भी है इसमें माइनस है इसमें माइनस है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और इंटरनल गियरिंग में मैं बात करूं तो यहां पर एफ और सी का जो डायरेक्शन है वो सेम होने वाला है चलिए आगे बात करते हैं अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ई की बात करते हैं ठीक है इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थर्टी सिक्स निपट गया माइनस फिफ्टी टू डिडेड बाई वन टोर एक्स ये मुझे मिलने वाला है रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ए की ई e की बात करता हूँ तो सबसे पहले देख लीजिएगा ई e जो किस है किससे कनेक्टेड है ई कनेक्टेड है बेटा बी से ई e कनेक्टेड है B से तो एक काम कीजिए सबसे पहले टीबी कीजिए डिवाइडेड बाई टीई कीजिए इनटू एन बी कर दीजिए एन बी टी बी की बात करूं वो कितना है फिफ्टी सिक्स है डिवाइडेड बाई टीई की बात करूं थर्टी सिक्स है इन टू एन बी की बात करूं बेटा वो है एक्स अब देख लीजिएगा E और B कैसे गियरिंग में है E और B की मैं बात करता हूं बेटा ये एक्सटर्नल गियरिंग पे है मतलब इन दोनों के जो डायरेक्शन होंगे ना वो अपोजिट होंगे माइनस साइन से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कर दिया सिंपल सा है ना बेटा एकदम सिंपल है अब बात करते हैं गियर डी की बात करते हैं गियर डी कहां पर है यहां पर है और गियर डी है ना बेटा वो किससे कनेक्ट है ई e से कनेक्ट है गियर डी ई से कनेक्ट है तो सबसे पहले टी ई e लिख लीजिए डिवाइडेड बाय टी डी इंटू एन ई देख लीजिएगा ई e और डी कैसा है ई e और डी बेटा ये इंटरनल गियरिंग में है ठीक है इंटरनल गियरिंग में मतलब जो साइन इसका होने वाला है वही साइन इसका भी होने वाला है मतलब मुझे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा टी e की बात करूं कितना है थर्टी सिक्स है डिवाइडेड बाई टी डी की बात करूं वन ट्वेंटी एट है और यहां पर एनई की बात करूं तो मुझे मिल जाएगा माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स एक्स थर्टी सिक्स निपट जाएंगे बच्चे का कितना माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट एक्स ये मेरा पहला रो मिल चुका है पहला रो मिल चुका है जब मैंने आर्म को फिक्स किया और गियर ए और बी को प्लस एक्स रिवॉल्यूशन मैंने दे दिया है चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड रो की बात करेंगे सेकेंड एक्टिविटी मेरा यह होता है कि मैं आर्म को भी रोटेट करवा देता हूं आर्म को भी मैं रोटेट करवा लेता हूं और मैंने माना कि मैंने इसमें प्लस वाई रिवॉल्यूशन दे दिया है, प्लस वाई रिवॉल्यूशन दे दिया तो कुछ नहीं करना है जो इसके पहले वाला रो का आया था फर्स्ट का इस वाले रो का, उस उसपे बस प्लस वाई एड कर देना है वाई इस पे वाई एड करूंगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा वाई एड करूंगा तो वाई माइनस फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स एक्स हो जाएगा और इस पे करूंगा तो वाई माइनस फिफ्टी टू डिडेड बाई वन टोर एक्स वाई माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स एक्स और यहां पर बात करूं तो वाई माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट एक्स हो जाएगा ठीक है इस वाले वैल्यू की मैं बात करूं तो गियर डी का रिवॉल्यूशन है ये ई e का ये सी का ये एफ का और ये वाला ए और बी का रिवॉल्यूशन है यहां तक मुझे मिल गया वाई की बात करूं तो ये आरम का रिवॉल्यूशन है क्लियर है बेटा ठीक है ये टेबल मेरा बन गया यही मेन है ये बना ना इसके बाद कैलकुलेशन इजी है कैलकुलेशन बड़ा इजी है चलिए फिर कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले काम करते हैं कंडीशन वन लेते हैं भाई कंडीशन वन मैं ले लेता हूं कंडीशन वन लेता हूं कंडीशन वन में आपको गिवन है कि जो एनडी है वो इज इक्वल टू जीरो एनडी इज इक्वल टू जीरो और साथ ही साथ आपको गिवन है एन ए आर्म की बात कर रहा है एन ए इज इक्वल टू टू हंड्रेड आरपीएम और इस टेबल से मुझे पता है कि जो एनडी है एनडी डी गियर का रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं वो इतना है रख लेते हैं वाई माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एन ए की बात करता हूं तो एन ए कुछ नहीं बेटा वाई ही है आर्म का रिवॉल्यूशन वाई एन इज़ इक्वल टू इक्वल टू टू हंड्रेड की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं टू हंड्रेड माइनस मुझे एक्स मिल जाएगा टू हंड्रेड इंटू वन टी एट डिवाइडेड बाई फिफ्टी सिक्स सही बात है यही मुझे मिल जाएगा मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है ये मुझे मिल रहा है 457.1 RPM X की वैल्यू मिल गई। अब आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है गियर C का रोटेशन पूछा गया है, या फिर मैं बात करूं गियर C की स्पीड पूछा गया है। मतलब कुल मिलाके NC पूछा गया है, तो NC की मैं बात करूं, तो NC is equal to इस टेबल से मुझे मिल जाएगा Y minus 52 divided by 124 X ठीक है वाई की वैल्यू पुट कर लो 200 हंड्रेड माइनस फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फोर एक्स कितना है बेटा फोर फिफ्टी सेवन पॉइंट वन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको ये मुझे मिल रहा है एट पॉइंट एट पॉइंट टू नाइन आरपीएम प्लस में प्लस में मतलब प्लस में मतलब ये कैसा है मैंने माना था जो आर्म का डायरेक्शन है बेटा वो पॉजिटिव है मतलब क्लॉकवाइज में है तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही होगा अच्छे से लिख लेता हूं एनसीज इक्वल टू एट पॉइंट टू नाइन या फिर एट पॉइंट थ्री आरपीएम क्लॉकवाइस क्लियर है बेटा चलिए अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं सेकेंड कंडीशन में आपको गिवन है सेकेंड कंडीशन में मैं बात करूं तो गिवन है बेटा आपको गिवन है एनडी इज इक्वल टू ट्वेंटी आरपीएम काउंटर क्लॉक वाइज मतलब negative, और साथ ही साथ एनए की बात करूं इज़ इक्वल टू कितना है भाई या फिर एनए इज इक्वल टू वाई की बात करूं ये इज इक्वल टू है टू हंड्रेड आरपीएम प्लस टू हंड्रेड आरपीएम चलिए एनडी टेबल से पता चल जाएगा बेटा एनडी कितना है एनडी है आपके पास वाई माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट एक्स वाई माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी आरपीएम सॉरी ट्वेंटी वाई इज इक्वल टू है टू हंड्रेड आरपीएम वाई की वैल्यू पुट कर दो यहां टू हंड्रेड माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी यहां से मुझे मिल जाएगी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं मैं 200 हंड्रेड प्लस ट्वेंटी इंटू वन डिवाइडेड बाई फिफ्टी ये मुझे मिल रहा है 502.8 8 टू आरपीएम ठीक है बेटा y की वैल्यू पता है x की वैल्यू पता है आपको निकालना है nc स्पीड ऑफ c तो एनसीज इक्वल टू मुझे एनसीज इक्वल टू है y minus 56 divided by, y ठीक है बेटा y माइनस फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फोर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो टू हंड्रेड माइनस फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फोर एक्स की वैल्यू कितना है फाइव जीरो टू पॉइंट एट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं ये मुझे मिल रहा है माइनस टेन पॉइंट एट सेवन आरपीएम ठीक है बेटा माइनस आया मतलब काउंटर क्लॉकवाइज टेन पॉइंट एट सेवन आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज ठीक है बड़ा इजी क्वेश्चन है कैलकुलेशन तो बहुत ही इजी था बस आपको मेहनत करना है ये टेबल बनाने में ये टेबल बनाने में आपको मेहनत करना है और टेबल बनाने के लिए आपको यह भी जरूरी है कि नंबर ऑफ टीथ प्रत्येक गियर को आपको पता होना चाहिए उसके लिए कुछ और मेहनत करना पड़ेगा जो मैंने यहां पर किया था सिंपल है, एकदम सिंपल है है एकदम चलिए बेटा इस क्वेश्चन में देखिएगा कंडीशन नंबर वन पे बात करते हैं ना कंडीशन नंबर वन पे बात करते हैं तो एनडी इज इक्वल टू जीरो है ठीक है मतलब मैं इस डी गियर की बात करूं तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है इसके लिए मुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगा ठीक है इसके लिए मुझे कुछ मेहनत करना पड़ेगा कुछ टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि ये फिक्स रहे सही बात है मैं बात करूं देखना ये जो ए गियर है ना बेटा असल में ये मोटर से कनेक्ट होता है ठीक है मोटर से कनेक्ट होता है तो वहां से मैं कुछ टॉर्क अप्लाई करता हूं ताकि वो रोटेट कर ले ठीक है रोटेट कर ले और यहां पर मैं बात करूं कंडीशन नंबर वन पे तो डी गियर बेटा यहां पर फिक्स है तो भाई इसको फिक्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टॉर्क यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा साथ ही साथ इस पूरे अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ टॉर्क आउटपुट भी आएगा ये जो गियर डी को फिक्स कर रहे हैं ना तो उसमें कुछ टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं अब कि ये जो टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं ना वो कितना है उसको निकालने की फाइंड आउट करने की अपन कोशिश करते हैं और यहां पर जो टॉर्क में अप्लाई कर रहा हूं तो इसी टॉर्क को मैं बोलता हूं भाई फिक्सिंग टॉर्क या फिर ब्रेकिंग टॉर्क या फिर होल्डिंग टॉर्क क्योंकि इसको मैं फिक्स कर रहा हूं सही बात है चलिए फिर देखते हैं अपन फिक्सिंग टॉर्क क्या होता है चलो बेटा देखते हैं फिक्सिंग टॉर्क या फिर इसी चीज को मैं बोलता हूं होल्डिंग टॉर्क या फिर ब्रेकिंग टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क इसको समझने के लिए मैं एक गियर ट्रेन लेता हूं इपी साइकिल गियर ट्रेन ये सन गियर है इसके साथ प्लैनेट गियर कनेक्टेड है ठीक है बेटा ये आर्म है सन गेयर को एस से मैंने डिनोट किया है प्लेनेट गियर को पी से इसके साथ एक इंटरनल गियर जुड़ा हुआ है प्लैनेट गियर के साथ ये इंटरनल गियर है बेटा ये मैंने मान लिया इसको मैंने ए से डिनोट किया है क्लियर है समझिएगा बात को जो सन गियर है ना बेटा ये मोटर के साथ कनेक्ट होता है मोटर के साथ कनेक्ट होता है मतलब सन गियर पर कोई टॉर्क अप्लाई होगा टॉर्क अप्लाई होगा तो इसमें रोटेशन होगा ये रोटेट करेगा तो भाई आपके पास जो प्लेनेट गियर है वो भी रोटेट करेगा साथ ही साथ आर्म भी रोटेट कर रहा है और उसके कारण प्लेनेट गियर के कारण आपके पास ये जो इंटरनल गियर है ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ठीक है स्टार्ट कर देगा मैं चाहता हूं या फिर किसी कारणवश ये जो इंटरनल गियर है ना इसको मैं फिक्स करना चाहता हूं फिक्स करना चाहता हूं जाहिर से बात है ये रोटेट कर रहा था उसको मैं फिक्स करना चाहता हूं तो जाहिर से बात है मुझे बेटा ये जो इंटरनल गियर पे ना एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा और इसी टॉर्क को ना अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी टॉर्क को मैं क्या बोलूंगा फिक्सिंग टॉर्क या फिर होल्डिंग टॉर्क या फिर ब्रेकिंग टॉर्क क्लियर है ये वाले टॉर की बात कर रहा हूं साथ ही साथ चलिए मानिएगा इस बात को मानिएगा कि इस अरेंजमेंट को मैंने एक सिस्टम मान लिया है मैं अभी इतना मान रहा हूं इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया है इतना तक ही समझिएगा अभी ना इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया है और साथ ही साथ मैंने यह भी माना है समझिएगा एनएस मतलब सन गियर की स्पीड की बात कर रहा हूं एन ए आर्मे की स्पीड की बात कर रहा हूं एनपी की स्पीड की बात कर रहा हूं ये सब कैसा है बेटा ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है अब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो गया मतलब क्या हो जाएगा बेटा इसका जो एंगुलर एक्सलरेशन है ना एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं अल्फा की बात करूं वो इज इक्वल टू जीरो तक भी क्लियर है सही बात है समझने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं इंजीनियरिंग चलते हैं ठीक है मान लो की बात आपके पास एक बॉडी है एक बॉडी है जिसका मास एम है ठीक है मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है एफ एक्स पी जिसके कारण इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए हो जाता है ठीक है ए हो जाता है मैं बात करूंगा तो मैं सिंपल से लिखता हूं क्या एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम इन टू ए यही मैं लिखता हूं ठीक है यहां तक तो क्लियर है मान लो की बात आप समझिएगा ना इसमें और कुछ फोर्सेस मैंने लगा लिया है एफ वन एफ टू करके लगा लिया है तब मैं बात करता हूं इस इक्वेशन को लाना चाहता हूं लगाना चाहता हूं तो मैं कैसे लगाऊंगा तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये मानना पड़ेगा कि मान लो कि बात यह सिस्टम है ठीक है सिस्टम है अब इस सिस्टम से जो बाहर से मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा उसी को कंसिडर करता हूं ये एफ एक्सटर्नल पे जाहिर से बात है ना फोर्सेस कैसे भी हो सकते हैं समझिएगा ना

मतलब मतलब मैं यदि एफ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं या फिर मैं सिंपल सी बात करूं सिग्मा ऑफ एफ क्योंकि एक्सटर्नल लग रहा है अभी सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए की बात कर रहा हूं तो इसमें जो मैं एफ कंसीडर कर रहा हूं ना बेटा वो एक्सटर्नल फोर्स को ही कंसीडर करूंगा एफ को नहीं करूंगा और इस पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लग रहा है उसको भी कंसीडर नहीं करूंगा मतलब सिस्टम से जो बाहर फोर्सेस है ना उसी को मैं कंसीडर करूंगा जो इस सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है सही बात है यही काम है तो सिग्मा ऑफ एफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सेम बात, सेम बात, मैंने इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने क्या बोल दिया सिस्टम सिस्टम मान मान लिया लिया है है अब मैं इसकी बात कर रहा हूं ना ध्यान दीजिएगा ये जो एक की बात कर रहा हूं इस पर मैंने टॉर्क अप्लाई किया ताकि ये फिक्स है मतलब मैं एक एक्सटर्नल टॉर्क यहां पर अप्लाई कर रहा हूं सही बात है और और समझिएगा जो सन गेयर है ना बेटा ये मोटर से कनेक्ट है ये मोटर से कनेक्ट है मतलब यहां पर भी मैं एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं सही बात है और एक आता है आउटपुट टॉर्क आउटपुट टॉर्क जो मुझे मिलता है मतलब सिस्टम से बाहर मुझे मिलता है किसी डिजायर पर्पस के लिए तो वहां से मान लो की बात आ गया टाउ आउटपुट कुछ आ रहा है ये भी क्या है बेटा ये एक्सटर्नल टॉर्क है ये एक्सटर्नल टॉर्क है यहां तक तो क्लियर है ये एक्सटर्नल टॉर्क है इसके अंदर के भी टॉर्क होंगे लेकिन उसको मुझे कंसिडर नहीं करना है सेम सेम समझिएगा जैसे मैंने यहां पर सिस्टम सिस्टम को को माना है, माना है है उसके एक्सटर्नल फोर्स भी मैंने कंसिडर किया है वैसे यहां पर भी मुझे टॉर्कर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल टॉर्क को ही कंसिडर करना है अब थोड़ा समझिएगा अब थोड़ा समझिएगा आपको एक फॉर्मूला पता है टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा आई अल्फा और अच्छे टम्बे में मैं बात करूं तो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू होगा आई, अल्फा। हो सही बात है, आई अल्फा होता है ये आपको पता है ठीक है अब समझिएगा मैंने कहा कि भाई ये जो अरेंजमेंट बना है ये गियर ट्रेन बना है इसमें जो एन एस एन एनपी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है मतलब इसके एंगुलर इज इस इक्वल टू जीरो है मतलब ये अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो सिग्मा ऑफ टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सिंपल सा जीरो हो जाएगा ठीक है अब देखिएगा इस सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल टॉर्क की बात करता हूं तो एक तो मुझे मिल रहा है टाउ आउटपुट ठीक है पे मैंने टाउ इन दिया है अप्लाई किया है इस पे टॉर्क अप्लाई किया है साथ ही साथ इसको फिक्स करने के लिए मैंने एक टॉर्क अप्लाई किया है जिसको मैं बोल रहा हूं बेटा टाउ फिक्स और इसी को मुझे फाइंड आउट करना है ठीक है, लिख लेता हूं टाउ इन प्लस टाउ आउट प्लस टाउ फिक्स इज इक्वल टू तो जीरो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया ठीक है टाउ इन पता है टाउ आउट पता है तो टाउ फिक्स आप आराम से निकाल लोगे चलिए और बात करते हैं ना समझिएगा इस बात को मान लो की बात मोटर के थ्रू मैं इस पर कुछ पावर इनपुट कर रहा हूं ठीक है पावर इनपुट कर रहा हूं और मुझे कुछ पावर आउटपुट मिल रहा है पावर आउटपुट मिल रहा है यदि इस अरेंजमेंट की बात करूं बेटा इस अरेंजमेंट की मैं बात करूं, इस इसपे किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं हो रहा है तो जितना इनपुट दिया हूं ना पावर उतना आउटपुट पावर होगा सही बात है लिख लेता हूं यहां पर इसको मिटा लेता हूं पहले चलिए यदि मैं बात करूं नो पावर लॉस नो पावर लॉस इस कंडीशन पे क्या होगा बेटा जितना पी इन आप दोगे ना उतना पी आउट आपको मिलेगा सही बात है और अच्छे से मैं बात करूं तो सिग्मा आप पी इज इक्वल टू मैं इसको जीरो लिख सकता हूं सही बात है सही बात है मतलब पी इन प्लस पी आउट इज इक्वल टू जीरो समझिएगा ना समझिएगा पी इन पावर को मैं और कैसे लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू होता है बेटा टाउ इंटू ओमेगा ठीक है टाउ इंटू ओमेगा इन की बात करूं तो ये हो जाएगा टाउ इन ओमेगा इन प्लस टाउ आउट ओमेगा आउट इज इक्वल टू जीरो सही बात है आगे बात करते हैं टाउ इन इंटू टू पाई एन इन डिवाइडेड बाय सिक्स टी प्लस टाउ आउट टू पाई एन आउट डिवाइडेड बाय सिक्स टी इज इक्वल टू जीरो अच्छे से लिखते हैं ये निपट जाएंगे सब कॉमन होके टाउ इन इनटू एन इन प्लस टाउ आउट एन आउट इज इक्वल टू जीरो ये मिला आपको सेकंड सम सेकंड इक्वेशन मजे की बात यह बेटा ना आपको ना साइन पे ध्यान देना पड़ेगा साइन पे ध्यान देना पड़ेगा टाउ इन एन इन टाउ आउट एन आउट सबके साइन पे ध्यान देना पड़ेगा और साइन के साथ आपको मैग्नेट्यूड पुट करना पड़ेगा समझिएगा मान लो की बात मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं टॉर्क की बात कर रहा हूं तो टॉर्क यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैं लगा रहा हूं तो मैं इसको मान के चलूंगा ये पॉजिटिव है ठीक है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैं बात करूं तो ये नेगेटिव मैं इसको मानूंगा ठीक है ये मेरा साइन है बात करते हैं इसके स्पीड की क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा निगेटिव इसके साथ रखना है इस एकदम क्लियर है इसके साथ रखना है क्लियर है ना बेटा समझिएगा बात ना आपको अब न्यूमेरिकल पे होगा क्या समझिएगा ये टाउ इन आपको दे दिया जाएगा ठीक है साथ ही साथ एन इन एन आउट सब आपको दे दिया जाएगा आपको पूछेगा फिक्स देखिएगा बेटा ये tau in पता है लेकिन tau out और tau fix पता नहीं है तो जाहिर से बात है ये तो नहीं बन पाएगा तो आपको यहां से tau in पता है n in तो भाई n out तो आप निकालोगे यहां से इस वाले इक्वेशन से tau out आप आराम से निकाल सकते हो वो जो tau out रहेगा वो इसमें पुट कर दो tau fix निकल जाएगा एकदम सिंपल सा इस टाइप के अपने को काम करना है चलिए तो फिर इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए चलिए बेटा तो ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोलता क्या है बताया है क्या गया इस क्वेश्चन पे फिगर सोचर गेयर डी एंड एफ जी आर कंपाउंड डी ये वाला गियर की बात कर रहा है और साथ ही साथ ये वाले गियर की बात कर रहा है दोनों कंपाउंड गियर है मतलब एक ही साफ्ट में साथ ही साथ गेयर एफ की बात करूं गियर जी की बात करूं ये भी कंपाउंड गियर है मतलब एक ही साफ्ट में ये दोनों गियर है आगे देखते हैं ना डी गियर्स डी गियर्स विथ ए एंड बी मतलब जो डी गियर है बेटा वो कनेक्टेड है किससे ए से कनेक्टेड है दिख रहा है डायग्राम पे साथ ही साथ बी से कनेक्टेड है ये वाला गियर की बात करूं तो ये बी गियर से भी कनेक्टेड है और बी गियर की बात करूं बेटा ये इंटरनल गियर है दिख रहा है बेटा डी कनेक्टेड है बी से तो ये इंटरनल गियर है यहां तक तो क्लियर है आगे बात करते हैं ई गियर्स विथ एफ ई की बात करूं E किससे कनेक्टेड है एफ से कनेक्टेड है दिख रहा है डायग्राम से एंड जी सी जी जी कहां पर है है बेटा ये किससे कनेक्टेड सी से कनेक्टेड है मजे की बात क्या है पता है बेटा इसके पहले जब इस टाइप का डायग्राम बनता था जो बी इंटरनल गियर होता था साथ ही साथ सी भी इंटरनल गियर होता था लेकिन यहां पर मैं बात करूं देखिएगा जी कनेक्टेड है सी से तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो जी और सी है ना बेटा ये एक्सटर्नल गियरिंग है कैसा गियरिंग है एक्सटर्नल गियरिंग है क्योंकि देखिए ना बेटा इसके मैं डायरेक्शन की बात करूं और इसके डायरेक्शन की बात करूं ये अपोजिट है डी और बी तो इंटरनल गियरिंग है एकदम क्लियर है मतलब मैं सी की बात करूं तो बेटा ये एक एक्सटर्नल गियर है सही बात है चलिए आगे देखते हैं द नंबर ऑफ टीथ ऑन द इच गियर्स आर ये कुछ दिया है नंबर ऑफ टीथ इफ द व्हील ए इज फिक्सड अब बोल दिया गया है बेटा ये जो ए गियर है ना ये फिक्स है ठीक है फिक्स है मतलब एन कैपिटल ए इज इक्वल टू जीरो गिवन डाटा है एंड द आर्म मेक्स ट्वेंटी रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज साथ में दिया गया है कि जो आर्म है ना बेटा ये वाला आर्म है ना ध्यान दीजिएगा ये वाला ये आर्म है ये ट्वेंटी रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रिवॉल्व कर रहा है चलिए आगे बात करते हैं फाइंड द रिवॉल्यूशन ऑफ बी एंड सी बी गियर और सी गियर का अपने को स्पीड निकालना है मतलब एन बी की बात कर रहे हैं साथ ही साथ एनसी की भी बात कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है और और क्या दिया इफ द आर्म 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 इज अप्लाइड ए टर्निंग मोमेंट ऑफ वन किलो न्यूटन मीटर डिटरमाइन द टर्निंग मोमेंट ऑन द साफ्ट सपोर्टिंग द व्हील ए यदि आर्म में एक टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है कितने अमाउंट का ये वन किलो न्यूटन मीटर का आर्म में एक टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है वन किलो न्यूटन मीटर का तो आपके पास जो सी पर कितना टॉर्क है वो आपको फाइंड आउट करना है ठीक है क्वेश्चन एकदम क्लियर है एकदम क्लियर है ए गियर ये है जो कि डी से कनेक्ट देखिए ए गियर डी से कनेक्टेड है और डी गियर की बात करूं ए साथ ही साथ बी से कनेक्टेड है मैं बात करता हूं एफ और जी ये कंपाउंड गियर है डी और ई कंपाउंड गियर है बी इंटरनल गियर गियर है और सी की बात करूं ये एक्सटर्नल गियर है ठीक है, सी किससे कनेक्टेड है बेटा सी देखिएगा यहां जी से कनेक्टेड है यहां तक तो क्लियर है तो सबसे पहले काम ये करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन डाटा लिखते हैं लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या दिया है बेटा एक तो नंबर ऑफ टी दिया है टी ए TA कितना है सिक्सटी टीबी की बात करूं वन ट्वेंटी टीसी की बात करूं वन थर्टी फाइव टी की बात करूं बेटा वो है थर्टी और टीई टीई इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव टी एफ टी एफ है आपके पास थर्टी और टीजी की बात कर रहा हूं बेटा तो ये है सिक्सटी इतना आपको पता है नंबर ऑफ टी थे. और साथ ही साथ ये भी दिया गया देखिएगा इफ द विल ए इज फिक्स मतलब एन ए एन एज इक्वल टू जीरो आर्म का रोटेशन दिया गया है कितना ट्वेंटी रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब प्लस ट्वेंटी यह भी पता है आगे बात करते हैं अब एक और चीज पता है बेटा इफ द आर्म इफ द आर्म अप्लाइड टॉर्क मोमेंट ऑफ वन किलो न्यूटन मीटर मतलब टाउ ए की बात करूं वो इज इक्वल टू कितना है बेटा वन किलो न्यूटन मीटर ठीक है बेटा यहां तक तो क्लियर है फाइंड आउट क्या करना है लिख लेता हूं यहां पर फाइंड आउट करना है बेटा सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एनबी इज इक्वल टू वाट और एन सी इज इक्वल टू वाट साथ ही साथ आपको टाउसी भी फाइंड आउट करना है ठीक है ये आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहला काम गिवन डाटा लिख लिए क्या क्या फाइंड आउट करना है? ये भी लिख लिए उसके बाद टेबल बनाएंगे टेबल बनाते हैं चलिए पहले वाले कॉलम पे मैं एक्शन लिखूंगा कौन कौन सा एक्टिविटी मैं करने वाला हूं सेकेंड वाले कॉलम पे मैं रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म लिखूंगा थर्ड वाले कॉलम पे रिवॉल्यूशन ऑफ गियर ए लिखूंगा गियर ए की बात करूं तो नंबर ऑफ टीथ है ठीक है उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ ए किससे कनेक्टेड है बेटा ए डी से कनेक्टेड है ऑफ डी डी की बात करूं तो कितना है बेटा थर्टी थर्टी अब ध्यान दीजिएगा रिवॉल्यूशन डी की बात करूं या फिर अब डी और ई e तो बेटा कंपाउंड गियर है तो इसका जितना रिवॉल्यूशन होगा उतना ही ई e का भी होगा रिवॉल्यूशन ऑफ डी और e, ऐसा मैं लिख सकता हूं बिल्कुल इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ई e की बात करता हूं कितना है 75 फाइव नेक्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ डी किससे कनेक्ट है बेटा डी कनेक्ट है आपके पास बी से Revolution ऑफ बी ठीक है बी की बात करूं नंबर ऑफ टीथ कितना है वन ट्वेंटी आगे बात करते हैं Revolution ऑफ अब ध्यान दीजिएगा ई E, e किससे कनेक्ट है बेटा एफ से कनेक्ट है तो Revolution ऑफ एफ और ध्यान दीजिएगा यहां पर एफ और जी कंपाउंड गियर है तो एफ और जी एफ की बात करूं तो नंबर ऑफ टीथ कितना है एफ एफ बेटा वो थर्टी जी की बात करें सिक्सटी ठीक है आगे बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ जी किससे कनेक्ट है ध्यान दीजिएगा जी किससे कनेक्ट है जी कनेक्ट है बेटा सी से रिवॉल्यूशन ऑफ सी और सी की बात करता हूँ तो इसमें कितने नंबर ऑफ टीथ है ये है बेटा वन ये पूरे बन चुके हैं देखते हैं ए बी सी कहा पूरे बन गए चलिए फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपन मस्त तरीके से और उसमें बेटा अपन रखते हैं पहला आर्म को फिक्स करना आर्म को मैं फिक्स कर देता हूं मतलब एन ए इज इक्वल टू जीरो और साथ ही साथ मैं बोल दे रहा हूं कि जो गेयर ए है ना उसको मैं प्लस एक्स रिवोल्यूशन मैंने दे दे दिया ठीक है प्लस एक्स रिवोल्यूशन मैंने दे दिया आर में फिक्स है मतलब आर में जीरो प्लस एक्स दिया है मैंने अब रिवोल्यूशन आप डी की बात करता हूं ना डी किससे कनेक्ट है ध्यान दीजिएगा डी कनेक्ट है ए से डी कनेक्ट है ए से तो PA डिवाइडेड बाय TD X ठीक है एक्स बात करते हैं डी और ए की डी और ए की बात करता हूं तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है एक्सटर्नल गियरिंग है मतलब डायरेक्शन अपोजिट होंगे ए और डी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होंगे माइनस आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा टीए की बात करूं कितना है टीए की बात करूं 60 है टी की बात करूं 30 है इन टू एक्स ठीक है ये एक्स आ जाएगा या फिर टू एक्स माइनस टू एक्स क्लियर है यहां तक आ गया अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ बी की बी की बी कहां पर है बेटा ध्यान दीजिएगा ये है बी बी किससे कनेक्ट है डी से बी किससे कनेक्ट है डी से बी कनेक्ट है डी से. से तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टी डी डिवाइडेड बाई टी बी इंटू एन डी एन डी टी डी कितना है बेटा थर्टी है अपॉन टीबी की बात करूं वन ट्वेंटी है इन टू एन डी की बात करूं तो है माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स यहां तक भी क्लियर है अब ध्यान दीजिएगा बेटा बी और डी की बात चल रही है तो बी और डी ना इंटरनल गियरिंग है इंटरनल गियरिंग है तो जो इसका साइन होगा डी का वही बी का भी होने वाला है डी का जो साइन है वही बी का होने वाला है और देखिएगा यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस है मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है चलिए आगे बात करते हैं निपटा देते हैं कुछ कुछ ये हो गया माइनस एक्स बाई टू यहां तक आ गया अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ एफ की बात करते हैं ध्यान दीजिएगा एफ की बात करता हूं तो एफ किससे कनेक्ट है बेटा ई e से कनेक्ट है है ना एफ ई e से कनेक्ट है एफ ई e से कनेक्ट है तो मैं काम करूंगा देखिएगा एफ ई e से कनेक्ट है मतलब टीई टीई डिवाइडेड बाई टी एफ टी एफ इंटू एन ई ठीक है एनई अब एफ और ई e को देखता हूं मैं ना एफ और ई e को देखता हूं तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है ठीक है एक्सटर्नल गियरिंग है टी कितना है बेटा सेवनटी फाइव माइनस सेवनटी फाइव डिवाइडेड टी एफ कितना है बेटा थर्टी इन टू एनई कितना है एनई e है आपके पास माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स सही बात है

डिवाइडेड बाई टीसी इंटू एन जी ठीक है एन जी सी और जी को देखता हूं सी और जी को देखता हूं तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है एक्सटर्नल गियरिंग है मतलब मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस टीजी की वैल्यू कितना है बेटा सिक्सटी है टीसी की बात करूं वन थर्टी फाइव है और मैं एन की बात करूं तो ये है बेटा प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स ये मुझे मिल गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सेकेंड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सेकेंड एक्टिविटी में मैं काम क्या करता हूं आर्म को रोटेट करवा देता हूं आर्म मस्त तरीके से रोटेट हो रहा है कितने रिवॉल्यूशन से मान लो कि मैंने माना प्लस रिवॉल्यूशन से कुछ नहीं करना है इसके पहले वाला जो रो मिला था उस पर प्लस वाई कर देना है कुछ नहीं वाई एक्स प्लस वाई इसकी बात करूं वाई माइनस टू एक्स है इसकी बात करूं वाई माइनस एक्स बाय टू इसकी बात करता हूं तो वाई प्लस फाइव एक्स इसकी बात करूंगा तो वाई माइनस सिक्सटी इंटू फाइव डिवाइडेड बाई वन थर्टी फाइव एक्स ठीक है यहां तक एकदम क्लियर है मतलब ये वाले मैग्निट्यूड की मैं बात करू या फिर वैल्यू की बात करूं सी का रिवॉल्यूशन है ये F और G का ये B का ये D और E का और ये A का और ये Y की बात करूं बेटा तो ये आर्म का रिवॉल्यूशन है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब काम करते हैं कैलकुलेट करते हैं भाई कुछ कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए आपको पता है कि आपके पास जो आर्म का स्पीड है ना बेटा वो कितना है एन ए एन ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 20 rpm ठीक है 20 rpm साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि जो गियर ए का जो स्पीड है ना बेटा वो कितना है जीरो है क्योंकि इसको मैंने फिक्स कर दिया फिक्स कर दिया अब देखिएगा टेबल टेबल से देखिएगा कि जो ए का जो मैं बात करता हूं उसका स्पीड कितना है तो वो दिखेगा आपको x plus y na 0 मतलब x plus y 0 y is equal to 20 पुट कर दो यहां x plus 20 0 मतलब x कितना हो जाएगा minus -20 ठीक है -20 यहां तक क्लियर है अब सबसे अब देखिएगा ना आपको फाइंड आउट क्या करना है सबसे पहले फाइंड आउट करना है nb स्पीड ऑफ गियर b चलिए ये निकालते हैं पहला फाइंड आउट करना है nb टेबल से देखिएगा बेटा कितना है nb की बात करूं b गियर के रिवॉल्यूशन की बात करूं या फिर उसकी स्पीड की बात करूं तो वो है y minus x by 2 y माइनस एक्स बाई टू वाई का वैल्यू ट्वेंटी माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू ये कितना आ जाएगा? थर्टी थर्टी आरपीएम ठीक है थर्टी आरपीएम ये थर्टी आरपीएम आ गया बी का स्पीड अब बात करते हैं सेकंड क्या पूछा गया एनसी मतलब सी का स्पीड तो मैं देखता हूं टेबल से सी गियर का स्पीड कितना है तो मुझे पता चलेगा बेटा कहापीड है यह वाई माइनस सिक्सटी इंटू फाइव एक्स डिवाइडेड बाई वन थर्टी फाइव वैल्यू पुट कर दो Y कितना है ट्वेंटी है माइनस सिक्सटी इंटू फाइव इंटू एक्स कितना बेटा माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन थर्टी फाइव मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है ट्वेंटी माइनस सिक्सटी इंटू फाइव इंटू ट्वेंटी उसी को क्या हो गया प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय वन थर्टी फाइव ये मुझे मिल रहा है 64.44 एनसी की बात करूं ये मुझे मिल रहा है 64.44 आरपीएम सॉरी ये रिवॉल्यूशन में है क्या सब देख लेते हैं आपको बोला गया है रिवॉल्यूशन ठीक है रिवॉल्यूशंस ये रिवॉल्यूशन आएगा इसकी बात करता हूं तो ये भी रिवॉल्यूशन आएगा revolution. चलिए आगे बात करते हैं एनबी पता है एनसी पता है हमने निकाल दिया कैलकुलेट करके निकाल लिया अब तीसरी बात करते हैं जो फाइंड आउट आपको करना है वो टॉर्क ऑन गियर सी टाउसी की बात कर रहा है ना टाउसी की तो मुझे एक चीज पता है बेटा यदि कोई पावर लॉस नहीं होता है नो पावर लॉस ठीक है तो मुझे एक चीज पता है कि जो आपके पास टाउ इनपुट इनटू एन इनपुट प्लस टाउ आउटपुट इंटू एन आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और अच्छे से बात करता हूं टाउ इनपुट आर में दे रहा हूं तो ये टाउ ए हो जाएगा एन ए हो जाएगा प्लस इसमें मैं टाउ आउटपुट की बात कर रहा हूं तो ये टाउ सी हो जाएगा इनटू एन सी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो सही बात है चलिए आगे बात करते हैं ना प्लस, तो तो प्लस, आ प्लस आ रहा है तो ये तो क्लॉक वाइज था ना इसमें ध्यान दीजिएगा ना प्लस आ रहा है और यहां पर मैं बात करूं टाउ ए टाउ ए ये आपको गिवन है बेटा वन किलो न्यूटन मीटर ठीक है वन किलो न्यूटन मीटर लिख लेता हूं यहां पर ए एनए की बात करूं एन ए की बात करूं तो ये ट्वेंटी रिवॉल्यूशन है इन ट्वेंटी प्लस टाउसी तो मुझे फाइंड आउट करना है एनसी की बात करूं तो 64.44 64.44 इज इक्वल टू जीरो सही बात है ध्यान दीजिएगा बेटा ना वाई की बात कर रहा हूं मैं यहां पर आर्म की बात कर रहा हूं तो आर्म आप में पता है कि उसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया आर्म की बात हूं ट्वेंटी को मैंने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज है एनसी की बात कर रहा फोर 64.44 तो ये भी अभी वाइस A का डायरेक्शन मुझे नहीं पता, पता. मान लो की टाउसी का डायरेक्शन निगेटिव आ गया तो ध्यान दीजिएगा आर्म को जिस डायरेक्शन पे अपन अप्लाई कर रहे थे आर्म में जो टॉर्क अप्लाई कर रहे थे जिस डायरेक्शन पे यदिव आ गया टाउसी तो उसके अपोजिट हो जाएगा बस इतना ही है और कुछ नहीं ठीक है यदि ये क्लॉकवाइज है यदि टाउसी नेगेटिव आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा पॉजिटिव आया तो वो भी क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन पे हो रहा होगा क्लियर है एकदम सिंपल है चलिए यहां से मैं ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर पॉइंट फोर फोर ये मुझे मिल जाएगा देखता हूं कितना मिल रहा है ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर पॉइंट फोर फोर जीरो पॉइंट थ्री वन जीरो किलो न्यूटन मीटर ये मुझे मिल गया माइनस में ठीक है माइनस में मतलब जिस डायरेक्शन पे टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है आर्म पे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मुझे टॉर्क मिलेगा सी गेयर पे इसका मतलब यही है ठीक है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे मुझे मिलेगा टॉर्क सी पर ये रहा इसका आंसर थर्ड पहला मैंने निकाल दिया था एन बी स्पीड ऑफ गियर बी स्पीड ऑफ गियर सी सेकंड भी मैंने निकाल लिया थर्ड भी पूछा गया था ये, टॉर्क ऑन सी ये भी मेरा निकल गया एकदम क्लियर है बेटा एकदम क्लियर है तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं थैंक यू